प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के दौरे पर गए। उन्होंने मदुरई चेन्नई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि भारतीयों को गर्व है कि विंग कमांडर अभिनंदन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हमारा अब नया भारत है जो आतंकियों के नुकसान को वापस करना जानता है, वो भी ब्याज के साथ। अम्मा के काम को लोग याद रखेंगे, मोदी ने कहा। अम्मा जयललिता जी को श्रद्धांजलि। उनके काम को तमिलनाडु के लोग हमेशा याद रखेंगे। मैं गर्व करता हूं कि हमारी महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी तमिलनाडु से हैं। हमने रोड रेलवे से जुड़े विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मैंने मदुरई से चेन्नई के बीच चलने वाली देश की सबसे तेज ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह आधुनिक ट्रेन मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है, जिसका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रेल लाइन की भी आधारशिला रखी गई। 1964 में आपदा के बाद यह रेल लाइन बर्बाद हो गई। इस पर 50 साल से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। 30 साल बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। मोदी के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.1 करोड़ किसानों की पहली किश्त उनके बैंक खाते में पहुंच चुकी है। सोचिए, सरकार की कोई स्कीम ऐलान वाले महीने में ही लागू हो जाए। हमने इसके लिए बिना रुके 24 घंटे काम किया और पक्का किया कि स्कीम का फायदा 24 दिनों में लोगों के पास पहुंच जाए। महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा था, जब भी मौका मिले ऐसा काम करो जो पहले न किया गया हो। 2014 में यह 30 साल बाद हुआ था, जब चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। लोगों का संदेश साफ था, वे ऐसी सरकार चाहते थे जो कड़े और साहसिक फैसले ले सके। लोगों को विकास चाहिए, मोदी ने कहा कि लोगों को ईमानदारी चाहिए, वंशवाद नहीं। लोगों को विकास चाहिए, विनाश नहीं। उन्हें प्रगति चाहिए, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं। लोगों को मौके चाहिए, रास्तों में रोड़े नहीं। उन्हें सुरक्षा चाहिए, अस्थिरता नहीं। लोगों को सम्मिलित विकास चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया आतंक से परेशान है, लेकिन भारत का संदेश साफ है। भारत अब आतंक से डरकर नहीं बैठेगा। 2004 से 2014 तक देश में कई आतंकी हमले हुए। देश को जानना था कि उनके साथ क्या हुआ जो इस आतंक के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। देश ने हमारी ताकत देखी, मोदी ने कहा कि जब देश में 26/11 हुआ तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन उड़ी हुआ तो आपने देखा कि हमारी सेना क्या कर सकती है। जब पुलवामा हुआ तो आपने देखा कि हमारी वायुसेना क्या कर सकती है। एक समय था जब न्यूज रिपोर्ट में आता था कि वायुसेना 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने उसे रोक दिया। आज सेना के पास पूरी आजादी है। यह नया भारत है, वह भारत जो आतंकियों के नुकसान को वापस करना जानता है, वे भी ब्याज के साथ। हमारी सेना ने अदम्य साहस के साथ काम किया है और इसके लिए मैं पूरे देश के सामने उनके साहस को नमन करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारी सेना ने जो ताकत दिखाई है, इससे हमारा देश एक साथ आया है। जिस तरह लोगों ने सैन्य बलों का समर्थन किया है, वे विशेष है। हमारी सेना ने अदम्य साहस के साथ काम किया है और इसके लिए मैं पूरे देश के सामने उनके साहस को नमन करता हूँ। कुछ राजनीतिक दल मोदी के चक्कर में देश पर शक करते हैं, वे देश की सेना पर शक करते हैं। यह दुखद है।